जी अब जो अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, तो पीएच ऑफ ब्लड जो है वो क्या कहता है। इसी टॉपिक पे हम थोड़ा सा पीछे थे तो तब मैंने बात की थी कि जो पीएच ऑफ ब्लड होता है ये 7.40 होता है। ठीक है, और ये भी बात की थी अगर ये जो पीएच है थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए तो बहुत से मसले खड़े हो सकते हैं। आपकी बॉडी बहुत खराबी हो सकती है। अब ये जो बाकी बायोलॉजिकल चीजें हैं ये आप अपनी बायो की टीचर से ही पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर कॉमेंट नहीं कर रहा क्या, कर सकता भी नहीं कि आई हैव नो आइडिया। तो ये पीएच ऑफ ब्लड जो है इसको एक मेंटेन होना पड़ता है एक उस पर, और उसमें एक उस पे होना चाहिए एक फिक्स्ड वो है, और जो वो पीएच है हम उसको कहते हैं कि वो पीएच जो है वो 7.40 है। ठीक है, ये एक फिक्स पीएच है, ये ना चेंज होती है ना कुछ। ठीक है, अब इसके बारे में हम ये कहते हैं कि H2CO3 है आपके पास, H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बनता है। ये जो है ये वीक एसिड है एक, और ये जो है ये कॉन्जुगेट बेस है। ठीक है, ठीक है, हम इस तरफ अगर जाएं तो आप एल्कलाई ऐड करते हो और इस तरफ जाएं तो एल्कलाई रिमूव करते हो। ठीक है, अब इस यहाँ पे वो बात आ जाती है कि ये जो H2CO3 है ये OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, और वो वाली बात जो हमने उसमें पीछे देखी थी किसमें देखी थी, बफर सॉल्यूशन। हाँ जी, तो अगर उसमें वो करेगी तो H2CO3 प्लस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर, तो क्या होगा HCO3 नेगेटिव प्लस H2O, और HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव H2CO3। ठीक है, और ब्लड के अंदर HCO3 नेगेटिव आयन्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, और सिमिलरली जो HCO3 नेगेटिव है इसमें आप एच पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये H2CO3 हो जाता है। HCO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव जो है ये CO3 2 नेगेटिव प्लस H2O। ठीक है, तो ये बात आपने काफी जो है वो देखी थी। अच्छा, इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पीएच ऑफ ब्लड है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 7.4 होती है। ये जो मैंने इक्वेशंस लिखवा दी कि H2CO3OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनाएगा और ब्ला 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 वगैरह ऐसी बातें, और इसके अलावा की जो अगर बातें हैं तो वो ये हैं कि आप इसमें वो जरूर इसको ना बुक से आप जरा देखिएगा। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कभी कभी, अक्सर आ जाता है अक्सर नहीं आता है, वो होता है, लेकिन इसको आप बुक से जरूर चेक करें। इसमें आप बुक का आपने इसको टॉपिक जरूर पढ़ना है, हर बच्चे ने पढ़ना है। ठीक है, और उसमें काफी जो है वो डिटेल जो है वो गिवन है। ठीक है, तो इसको बुक से जरूर आप देखिएगा। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट PSP, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट क्या, हमने क्या क्या पढ़ लिया, AS से देखिए, KC पढ़ लिया, KP पढ़ लिया, A2 में है KW पढ़ लिया, ठीक है, KA पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ रहे हैं KSP। KSP क्या होता है, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। इट इज अ प्रोडक्ट, डेफिनेशन देखिए, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एट 298 केल्विन रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेट, सॉलिबिलिटी क्या डेफिनेशन ये बना। हाँ, आप हम बोले वैसे कर रहे हैं सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। देखें, सॉलिबिलिटी की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन क्या बताएं, सिंपल बात, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है ना उसको सॉलिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, दैट इज इट। अच्छा, ये हमने देख लिया KSP क्या है।
इक्वेशन लिखे हैं, सी ओ सी ओ थ्री कैल्शियम कार्बोनेट वो होता है, सी ओ टू सी ए टू पॉजिटिव बनाता है, सी ओ थ्री टू नेगेटिव एक्वस में बनाता है, और सी ओ सी ओ थ्री सॉलिड होता है। ये बेसिकली क्या होता है कि पहले आपके पास एक सोल्यूशन में पड़ा हुआ है और ये सॉलिड है, ठीक है। उसके बाद जो होता है ये सोल्यूशन में होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये ऐसा हो गया, डिसॉल्व हो गया, ठीक है। पहले डिसॉल्व नहीं था, नाउ इट डिसॉल्व। और ये जो डिसॉल्व होता है तो ये आयंस बनाता है, सी ए टू पॉजिटिव और सी ओ थ्री टू नेगेटिव, ठीक है। और अब ये जो आपने कहा इधर कि ये इक्वेशन है, इसका केसी लिखो, इसका जो केसी होगा वो सी ए टू पॉजिटिव सी ओ थ्री टू नेगेटिव होगा, ठीक है। सी ए सी ओ थ्री नहीं होगा, सॉलिड है, बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। सॉलिड किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन होती है, नहीं होती ना, तो केसी की ये होगी। और ये जो केसी है, ये केसी, ये के जी, तो ये जो केसी है सी ए सी ओ थ्री सॉलिड है, तो ये सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन नहीं होती, तो आप जो है वो इसकी इसको खाते में नहीं डालते, ठीक है। और ये जो केसी है इसको हम के एस पी कहते हैं, जो कि हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो वो है कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, ये आप इसको पढ़ लीजिए प्लीज। कॉमन आयन इफेक्ट है, इट इज अ रिडक्शन इन द सॉलिबिलिटी ऑफ अ डिसॉल्वड सॉल्ट अचीव्ड बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड व्हिच हैज एन आयन इन कॉमन विद द डिसॉल्वड सॉल्ट, दिस ऑफन रिजल्ट्स इन प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसको हम कैसे वो कर देते हैं कि आपके पास सिल्वर क्लोराइड है सॉलिड, रिवर्सिबल रिएक्शन का ए जी पॉजिटिव प्लस सी एल नेगेटिव एक्वस बन बनता है, ठीक है। इसको प्लीज नोट कर लीजिए कॉमन आयन इफेक्ट को, फिर आगे चलते हैं। और जो हमने सॉलिबिलिटी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की एस पी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको प्लीज नोट कीजिए। कुछ क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, ये पहला क्वेश्चन कीजिए बड़ा मेहरबानी आपकी, ट्राई करें। पहला क्वेश्चन है तो मैं आप खुद करवा देता हूँ। ट्राई हम ये करते हैं कि आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में, सी ए टू एक्वस आयंस में आपने इसको कर दिया सी ओ थ्री टू नेगेटिव। अब सी ए सी ओ थ्री एक्वस है, इसको सी ए टू पॉजिटिव एक्वस या सी ओ थ्री टू नेगेटिव एक्वस। The solubility of CO3 is 6.9 into 10 raised to 5. ये 1 है, 1 है, 1 है, तो ये भी यही होगा। ये माइनस 5 है, अच्छा। KSP will be CA2 positive, CO3 2 negative, 6.9 into 10 raised to power 5 square. Answer आ जाता है 4.76 into 10 raised to power minus 9 mole square dm minus 6. ठीक हो गया, understood हो गया, अच्छा topic आने एक फॉर्मिंग। थोड़ा सा लेते हैं ये कीजिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ लेड क्लोराइड एट 298 केल्विन 0.016 मोल Na2, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट एट दिस टेंपरेचर। आपके पास PbCl2 सॉलिड है, इसे आपने बना दिया Pb2 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस एक्वस PbCl2 aqueous Pb2 positive aqueous plus 2Cl negative aqueous, ये 0.016 है, ये 0.016 होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये 2 है, ये 1 है, इसको डबल कर देंगे 0.032, ठीक है।
KSP will be PB2 positive square bracket. Cl negative. Cl negative square. Okay? 0.016, 0.032 square. Answer will be, kya aata hai answer? Minus. For unit small cube dm minus. ठीक हो गया, समझ आ गया सब कुछ, गुड हो गया। ये करिए प्लीज, इसको अब आप खुद ट्राई करें। जी आपने इसको खुद ट्राई किया और आपने ये ट्राई करिए, खुद देखते हैं आप। इक्वेशन लिखेंगे पहले आप, शाबाश। क्या इक्वेशन आती है? Ca3PO4 2 3 Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 PO4 नेगेटिव 3 नेगेटिव। ठीक है, ये सॉलिड था, ये एक्वस हो गया, ये भी एक्वस। ठीक है, Ca3PO4 2 3 Ca2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 PO4 ठीक। अब एक चीज प्लीज बच्चा एक बात याद रखें, अगर आप नोट करें तो ये 7.7 × 10 इसका माइनस 4 ग्राम पर डीएम को हमें मोल पर डीएम चाहिए, तो क्या करेंगे एमआर से डिवाइड कर 7.7 × 10 इसका माइनस 4 ओवर 3 10, ये आता है 2.48 × 10 इसका माइनस, ये 2.48 × 10⁻⁶ हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो यहाँ पे जो आता है क्या आता है 7.45 × 10⁻⁶, और ये आता है 4.96 × 10⁻⁶। तो हेंस KSP विल बी 7.45 × 10⁻⁶, 4.96 × 10⁻⁶, आंसर आता है 1.02 × 10⁻²⁶ मोल 5 dm − 15। चेक करिए ये आंसर, किस किस का यही आंसर आ गया। हाँ एक सॉरी, हमने एक चीज मिस कर दी, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, फिर ये आंसर आता है। उससे तो 3.67 × 10⁻¹ आ रहा है, सेम हिसाब का जी। इधर क्यों है ये क्वेश्चन कीजिए प्लीज, इसमें क्या है? टोटल सॉलिबिलिटी मोल ऑफ, अब सॉलिबिलिटी फाइंड करनी है इफ इट सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ। ठीक है, आपके पास AgCl है सॉलिड में, आप कहते हो Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस, तो AgCl सॉलिड, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव एक्वस। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो यानी कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट x है x, ठीक है, KSP x x हो जाता है, KSP 1.8 × 10⁻¹⁰, x स्क्वायर x जो आ जाता है 1.34 × 10⁻⁵ मोल पर dm क्यूब। ठीक हो गया, सबका यही आंसर आता है, बहुत बहुत मुबारक हो।
ये क्वेश्चन कीजिए, सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन वी डिड। भेजे मैं लिखती हूँ। अच्छा, Ag2s सॉलिड, 2Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव, एक्वस में है, एक्वस Ag2s एक्वस 2Ag पॉजिटिव प्लस S2 नेगेटिव एक्वस, ठीक है। ये एक्स है, ये 2x हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। के एस पी है 2x, फिर स्क्वायर रूट और फिर एक्स। के एस पी 6.3 न्यूटन इज पर -50 है, 4x2। एक्स की आंसर क्या आता है फाइंड करके बताएं तुरंत। फोर एक्स क्यूब है, थैंक यू बेटा। आप इसका आंसर आता है 2.5 06 इंटू 10^-17, 6 बना लिखेंगे मोल पर डीएम क्यूब, ठीक हो गया, सबका आंसर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज जो है वो कॉमन आयन और के एस पी खत्म होता है,